अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। तो मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फारिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो मोस्ट वेलकम ट्रेडर्स, आज आपको एक स्ट्रेटजी देने जा रहा हूं और बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, वेरी सिंपल स्ट्रेटजी है, वेरी इजी स्ट्रेटजी है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इससे आप फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ देता हूँ तो वो बड़ी यूनिक होती है और ये भी यूनिक ही होगी। आज एक तो मैं आपको कुछ रिवर्सल कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। नईम खान साहब हैं बहरैन से, उन्होंने कहा था, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, कि बिहेवियर ऑफ कैंडल्स, हर जो पैटर्न्स होता है, पैटर्न्स तो बहुत सारे बन रहे होते हैं चार्ट के अंदर, सम पैटर्न्स की वैल्यू होती है और सम की वैल्यू नहीं होती। वैल्यू कहाँ पे बनती है वो बताऊंगा, फिबोनाची के हिसाब से हम ट्रेड कैसे लगाएंगे वो बताऊंगा, आरएसआई का इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत कम नॉलेज है, उनके लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी से। ट्रेडर्स एक बात को माइंड में रख लें कि जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये मजाक नहीं होता है कि कोई 10 मिनट में आपको स्ट्रेटजी दे दे और फिर वो सक्सेस भी हो जाए। हर स्ट्रेटजी के बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप लोग घबरा जाते हो वीडियो देख के, कितनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, तो ऐसे नहीं होता। आज मैं इसके पार्ट्स में बना दूंगा, जब आपके पास टाइम हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। तो पार्ट वन जो है इस स्ट्रेटजी का, वो हम फिबोनाची लगाना सीखेंगे। जब भी कोई मार्केट हाई लगाती है, ठीक है, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आती है और नीचे आके ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। ट्रेड कैसे ढूंढना है इससे वो भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट, ये डे का चार्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहाँ पे एक मिलीनियर कैंडल बनी। इसको मैं मिलीनियर कैंडल बोलता हूँ, आप इसको हैमर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल की जो पावर थी वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई, ठीक है, इस कैंडल की पावर मार्केट को ऊपर की तरफ ले गई। अब सबसे पहले जिस लेवल से हमने ट्रेड को ढूंढना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे फिबोनाची। फिबोनाची कहाँ से लगानी है? जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं वो लगाते हैं हाई से लो तक, जो भी हाई होगा उसके लो तक, ठीक है, वहाँ पे हम लगाएंगे। अब हमने लगाया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, हमने कॉन्शियस हो जाना है 61.8 के लेवल पे। कैंडल्स का बिहेवियर होता है, हर कैंडल्स का, जैसे इंसानों के बिहेवियर होते हैं, कभी इंसान कूल होता है, कभी गुस्से में होता है। और जब आप कोई आदमी गुस्से में होता है तो उस टाइम क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं, इंटेलिजेंट लोग जो हैं उसको अवॉइड करते हैं कि इसके अंदर हम ना पढ़ें या इसके पास ना बैठें या इसका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है। कैंडल्स के मूड जो हैं जब चेंज होते हैं, जब वो राइट दिखा के लेफ्ट मार देती है, तो वो कौन सा लेवल होता है? 61.8 का लेवल होता है। इस लेवल के ऊपर मार्केट जो है अपना बिहेवियर चेंज करती है। अब हमें अगर नॉलेज है कैंडल्स का, हमें अगर कैंडल्स के बारे में पता है कि ये शूटिंग स्टार है, ये ट्वीजर टॉप है, ये हैंगिंग मैन है, इस तरह की, यानी कैंडल्स के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो यकीनन आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। रिवर्सल कैंडल्स के बारे में, रिवर्सल का पूरी एक मैं सीरीज बनाने वाला हूँ रिवर्सल की, जो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं यूट्यूब पे उसको अपलोड करूँगा। अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, इसको मैं शूटिंग स्टार नहीं कहूँगा, क्योंकि शूटिंग स्टार की जो किस्म होती है, जो नेचुरल होता है शूटिंग स्टार, वो किस टाइप का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शूटिंग स्टार जो है, एक तो वो प्रीवियस कैंडल से गैप अप ओपन होता है,
इस कैंडल से गैप के साथ ओपन होगा और जब डाउन होगा तो इस तरह, जैसे ये रेड कैंडल नीचे निकली है बैरिश, इस तरह वो गैप के साथ नीचे निकलेगा तो वो एक परफेक्ट शूटिंग स्टार होता है, ठीक है ना। ये इसके पास से निकला, ऊपर गया, लेकिन ये बना किस जगह पे है उसको देखना है। ये बना है 61.8 पे। अच्छा, अब ट्रेड कहाँ से लेनी है? इसके बनते सार ही आपने लेनी है। जब इसने एक टेल बनाई शूटिंग स्टार ने, ठीक है, गुड पर्सनैलिटी वाला नहीं है शूटिंग स्टार, लेकिन है, जब इसने टेल बनाई नीचे आके रुका, किस लेवल से? 61.8 के लेवल से। जब ये नीचे रुका तो क्या हुआ? जब ये नीचे रुका तो हमें 61 को देख के कंफर्मेशन हुई कि अब हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कि नीचे जाए। अब कंफर्म कहां पे होता है? नेक्स्ट कैंडल, इसकी प्रीवियस कैंडल, ये जो है ग्रीन वाली कैंडल, इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज होती है, होना तो ये सही है, ये जो रेड कैंडल है, लेकिन क्योंकि रेड कैंडल जो है वो वैसे भी इसकी बॉडी के साथ मिली हुई थी, तो इसकी प्रीवियस कैंडल को हम चेक करेंगे। उसके नीचे जैसे ही इस शूटिंग स्टार के नेक्स्ट वाली कैंडल इसके नीचे आके रुकेगी, आप यहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आगे जो है यहां से आप ट्रेड लेंगे इसके नीचे से, और मार्केट नीचे की तरफ। फर्स्ट जो आपका टीपी होगा वो इसका लो होगा, इससे ऊपर आप निकल जाएंगे। तो ये पार्ट वन है, पार्ट टू में फिर आगे चल के आपको बताता हूँ।